सो अवेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन सो दिस कोर्स फॉर यू पी सी सी एस सी एग्जामिनेशन एंड एंड दिस कोर्स द थीम इज लेट्स क्रैक यू पी सी एस सी एंड अंडर दिस थीम वी आ डी विद इंडियन एक्सप्रेस एंड टूडेज ट्वेल्थ जून ट्वेल्थ जून का इंडियन एक्प्रेस के न्यूज एनालिसिस हम इसके अंदर करने वाले हैं राइट सो लेट स्टार्ट बट बिफोर दट प्लीज लेट बो दर्बल एंड विजिबल सो दैट वी कैन स्टार्ट दैक्चर चलिए so if you want to take the subscription of an academy you have to click on click on the get subscription link get subscription link will be provided on the academy application as well as an academy website so after that these features are provided by the academy daily live classes structured courses live test and quizzes will be there unlimited access will be provided by the academy right so डेली लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि यू यू कैन चैट विद द एजुकेटर यू कैन आस्क द ड आउट जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर करते हैं स्ट्रक्चर कोर्स के मतलब क्या है फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड ईच एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड बाय द अन अकेडमी फ्राम द नोट्स मेकिंग टिल योर टेस्ट सीरीज हर चीज आपको अन अकेडमी के एजुकेटर्स प्रोवाइड करेंगे अनलिमिटेड एक्सेस मींस यू कैन वॉच द वीडियो एज मैन इस टाइम यू लाइक ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस आर द टॉप एजुकेटर्स इफ यू जॉइन दिन अकेडमी दिस टॉप एजुकेटर्स आर इन सर्विस ऑफ योर राइट सो these are the different different courses like polity had 32 courses polity subject equality subject but 32 courses different different teachers are forming different different courses on this one right and uh, दिस इज द सब्सक्रिप्शन चार्ज बोर्ड वन ईयर विल कोस यू अराउंड फोटी फोर थाउजेंड एंड टू ई ईयर विल कोस यू अराउंड सिक्सटी फोर थाउजेंड ठीक है दिस इज द राइट टाइम टू टेक द अकेडमिक सब्सक्रिप्शन बिकॉज अभी आपके पास बहुत सारा समय है ठीक है फोर मंथ का आपके पास टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली जो कि कम होता जा रहा है ठीक है तो आपको अभी अकेडमिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो जिन्होंने प्रिपरेशन करी नहीं है वो भी प्रिपरेशन कर पाएंगे और इस यही सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके लिए नेक्स्ट uh, ईयर की प्रिपरेशन के लिए भी आपको फ़ायदे में रहेगा राइट तो ट्वेल्व ईयर फॉर ट्वेल्व मंथ इट विल कॉस्ट यू अराउंड फोर्टी फोर थाउजेंड एंड फॉर ट्वेंटी फोर मंथ इट विल कॉस्ट यू अराउंड सिक्सटी फोर थाउजेंड इफ यू टाइप द कोड लाइव डी बी देन यू विल गेट द टेन परसेंट डिस्काउंट दिस इज अबर्दन अकेडमी सब्सक्रिप्शन राइट फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर एट सेवन डबल एट टू फोर एट सेवन थ्री फोर एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप इट विच आई विल अपलोड द पी डी एफ फॉर श्योर ठीक है जो भी पीडीएफ है को पता है कौन कौन सी पें, पेंडिंग पी डी एफ है ठीक है तो आज ये पी डी एफ अपलोड हो जाएंगे ठीक है सॉरी फॉर द डिले ठीक है ऐसा रहता है पीडीएफ में थोड़ा सा डिले हो जाता है आई नो दैट वन बट यू कैन बियर विद मी राइट मैं चाहूँगा कि ए, रेगुलर हो पाऊँ बट मैं हो नहीं पाता हूँ ठीक है तो पी डी मैं अपलोड कर दूँगा आज सारी पी जो होगा वो मैंने सोच रखा है आज मैं अपलोड कर दूँगा आपको राइट तो, right? तो देखिए इकॉ ये जो अपन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं ना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब ये समझो इंडियन एक्सप्रेस में देखो बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं पर मैं आपको सेलेक्टेड आर्टिकल ही पढ़ाता हूँ सेलेक्टेड आर्टिकल भी अगर आप अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ा दूँ मैं आपको और आप उसको एग्जाम के अंदर लिखें दैट इज़ मोर देन इनफ ठीक है बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ मतलब नहीं होता पढ़ाने का सिर्फ आपकी इंटेलेक्चुअल सेटिसफेक्शन के लिए मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता कि हाँ पूरा इंडियन एक्सप्रेस हमने पढ़ लिया कि हमको बहुत मजा आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ठीक है पूरा एक्सप्लेन पोर्शन से लेकर आइडियाज से लेकर सब कुछ एडिटोरियल सारा हमने पढ़ लिया ईच एंड एवरी आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड ठीक है और देखिए एक आर्टिकल ऐसा होता है जो बार बार आता है ठीक है तो उस आर्टिकल को मैं स्किप कर देता हूँ अगर उसमें कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो ठीक है थीके? तो जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको ही आप उसके ऊपर ही कंसंट्रेट कर लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ एंड इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हम ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स को हम कवर कर लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर राइट सो एवरीथिंग इज ओके प्लीज लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज ओके अम्बरीश गुड इवनिंग अनु बाजपेई गुड इवनिंग सिमरन नाजमी गुड इवनिंग साइलेंस गुड इवनिंग एंड एवरी वन सब जगह साइलेंस के मैसेज दिख रहे हैं ठीक है चलो तो गुड इवनिंग टू एवरी वन राइट तो चलो लेट्स स्टार्ट द थिंग तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है आंसर राइटिंग है इंडियन एक्सप्रेस पे इन्हीं इन्हीं आर्टिकल्स पे आंसर राइटिंग है जिसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप पे हम आंसर राइटिंग को डिस्कस करते हैं बट फॉर that यू हैव टू टेक the अकेडमी सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स कि मैंने कई क्लासेस स्पेशल क्लासेज में भी ले रखा है स्पेशल क्लासेज भी ले रखी है इंटरनेशनल रिलेशन का वो भी आप इसके अंदर अवेल कर सकते हैं आने वाले समय में एथिक्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री ये सब कोर्सेज आने वाले हैं ठीक है तो इट्स बैटर कि आप अभी क्या करें अभी ज्वाइन कर लें इसको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को तो ये कोर्सेज भी आप अवेल कर पाएंगे राइट तो दिस इज द थिंग ठीक है देखो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है एलवन पी पर इस इंटरेस्टिंग वीडियो ये इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ इसको बिकॉज इसके अंदर हम किसी भी तरह से ठीक है एक ये कहावत है ना साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से हमको आयु सी स्टेटस याद करना है तो जो भी करना चाहते हैं तो बी विद मी ठीक है एट एलेवन पी एम टूडे ओनली राइट चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज फर्स्ट थिंग फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ ये क्या है इसके बारे में हम ये बताते हैं देखिए अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की पोजीशन के बारे में इसमें बताया कि क्या पोजीशन है क्या किस तरह से वहाँ पर एक न्यू मीडिया पॉलिसी बनी है न्यू मीडिया पॉलिसी बनी है जिसके अंदर क्या है जिसके अंदर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस मीडिया के ऊपर लगा दिया गया है तो दैट इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दैट इज़ नॉट राइट ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं तो एक ही आर्टिकल में अपन को इतने छोटे से आर्टिकल के अंदर सारी जो पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं इसके बारे में वो अपन को मिल गया है ठीक है अब जब भी जम्मू कश्मीर का आंसर लिखोगे तो बिकम यू हैव टू राइट इट वेरी कॉशियसली ठीक है आपको ऐसे लिखना होगा कि भाई हमको क्या करना चाहिए हमको उनके हर्ट्स को जीतना चाहिए जम्मू कश्मीर के हर्ट्स को जीतना चाहिए हर, के लोगों के हर्ट्स को जीतना चाहिए ठीक है हमको उनको असिमिलेट करना चाहिए हमारी कंट्री की मेन स्ट्रीम से ठीक है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए ठीक है और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा उनको रिलेक्सेशन दे जैसे इन सब चीज़ों के अंदर तो बहुत ही स्लाइटली क्रिटिसिजम करके फिर आपको लिखना होता है कहने का मतलब ये है न्यूज़पेपर के अंदर तो बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं बट आपको जम्मू कश्मीर वाले अंदर एक चलना होता है थीके? तो चलिए लेट्स देखिए आर्टिकल क्यों आया क्योंकि न्यू मीडिया पॉलिसी ऑफ जम्मू कश्मीर में अभी आई है ठीक है वो नाइनटीन के अंदर जो पॉलिसी आई थी वैसे ही लग रही है कुछ इसके अंदर क्या है कि एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट ठीक है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स वो देखेंगे सबसे पहले न्यूज़ पब्लिश होने से पहले क्या देखेंगे वो देखेंगे व्हाट इज़ द न्यूज़ क्या न्यूज़ है न्यूज़ कौन सी आ रही है वो चेक करेंगे ठीक है क्या ये न्यूज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए सिस्टम के अंदर ये चेक चेकिंग कौन करेगा ये यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स करेंगे ब्यूरोक्रेट्स कौन होता है दे आर द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनली ठीक है तो एडमिनिस्ट्रेशन विल एडमिनिस्ट्रेटर विल चेक द अथेंटिसिटी ऑफ दिस न्यूज़ न्यूज़ फेक तो नहीं है और न्यूज़ फेक न्यूज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बाहर आकर न्यूज़ क्या कही है न्यूज़ एंटी नेशनल तो नहीं है इस तरह से ये सब चीज़ें चेक करेंगे सेटिंग अप ए मैकेजम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द फेक न्यूज फेक न्यूज की मॉनिटरिंग करने के लिए एक मैकेजम फॉर्म होगा ठीक है कि अगर कोई न्यूज फेक है कि नहीं है ठीक है कंडीशन कंडीशन न्यूज पेपर नीडेड टू बी मीट इन द ऑर्डर ऑफ एम पैनल अगर न्यूज पेपर एमपेनल्ड होना चाहते हैं या फिर डी एम पेनल्ड होना चाहते हैं ठीक है थीके? तो उसकी क्या कंडीशन है उसकी क्या सर्कमस्टांसेस है यह सब चीज क्या है यह सब चीज न्यू मीडिया पॉलिसी के अंदर बोला गया है कि इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश होंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन कौन एस्टेब्लिश करेगा ब्यूरोक्रेट ठीक है ब्यूरोक्रेट एस्टेब्लिश करेगा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर का वो वो क्या करेगा उसके ऊपर ये, तो ये बिल्कुल रख लो, न्यू मीडिया पॉलिसी उसके अंदर क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं स्लाइटली इसका राइट चलिए तो टू हूम जर्नलिस्ट विल बी आंसरेबल देखो जर्नलिस्ट को किसकी तरफ आंसरेबल होना चाहिए आप बताएं जर्नलिस्ट जो है वो किसकी तरफ होगा रीडर्स की तरफ होना चाहिए उसको रीडर्स की तरफ क्या हो सकता है आंसरेबल होना चाहिए या फिर उसके एडिटर की तरफ आंसरेबल होना चाहिए भाई ब्यूरोक्रेट्स की तरफ कब आंसरेबल होने लग गया जर्नलिस्ट ठीक है दिस इज द क्वेश्चन कि ब्यूरोक्रेट्स की तरफ जर्नलिस्ट आंसरेबल हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट जर्नलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है पूरा जर्नलिज्म दैट इज़ नॉट राइट ठीक है अब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि कौन सी न्यूज़ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए ठीक है गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि भाई क्या मैकेनिज़्म किस तरह का न्यूज़ आना क्या कौन सा जर्नलिज्म जर्नलिस्ट जो होगा एम पेनल्ड होगा कौन डी एम पेनल्ड होगा इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करना चाहिए ये किसी न्यूज़ एजेंसी को एन बी एस ए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी इन सबको डिसाइड करना चाहिए या फिर एडिटर को डिसाइड करना चाहिए या फिर रीडर्स को डिसाइड करना चाहिए कि भाई हमको कैसी न्यूज़ चाहिए इसमें गवर्नमेंट आ रही है आर्टिकल नाइनटीन वन ए के अंदर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंदर ही मीडिया की फ्रीडम है ठीक है तो दिस इज अगेंस्ट दिस वन आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वट आई वॉन्ट टू से राइट तो देखिए जर्नलिस्ट एंड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन शुड भी आंसरेबल टू नॉट टू दे उनके रीडर्स को आंसरेबल होना चाहिए या फिर एडिटर्स को बट यहां पर तो क्या हो रहा है ब्यूरोक्रेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को अपन क्या कर रहे हैं हैंबल हो रहे हैं कौन जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स जब जर्नलिस्ट को कंट्रोल कर लेंगे तो जर्नलिस्ट कुछ एंटी गवर्नमेंट कुछ कह पाएगा क्या नहीं कह पाएगा एंटी ब्यूरोक्रेट्स कह पाएगा क्या नहीं कह पाएगा तो जर्नलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स मीन ईच एंड एवरीथिंग इन द जर्नलिज्म जर्नलिस्ट और जो भी चीज़ें होंगी न्यूज़ के अंदर वो किसके अंदर आएगी इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट आएगा ठीक है ऑफिशियल विल सट सिट इन द जजमेंट ऑन जर्नलिस्टिक जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड इश्यू ऑफ पैलागरिज्म ठीक है तो ये देखिए प्लागरिज्म का मतलब क्या होता है प्लागरिज्म का मतलब ये होता है कि भाई आप लोग कहीं किसी का कंटेंट तो नहीं चुरा रहे हैं ठीक है प्लागरिज्म का मतलब है कि आप लोग किसी का कंटेंट तो नहीं चुरा रहे हैं या फिर कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं ये सब कौन डिसाइड करेगा ये सब डिसाइड करेंगे ब्यूरोक्रेट्स देखो इसके लिए कुछ होना चाहिए था न्यूज का रेगुलेटर पर यहां पर ब्यूरोक्रेट्स इज डिसाइडिंग दिस थिंग आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन वट आई वॉन्ट टू कन्वे बाय दिस आर्टिकल इज देयर राइट चलिए नेक्स्ट इज ऑल दिस फॉर बिल्डिंग एज जनवन अब ये क्यों हो रहा है जिससे कि एक पॉजिटिव इमेज बन पाए गवर्नमेंट की गवर्मेंट इज डूइंग परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज डूइंग डेवलपमेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर एवरीथिंग एवरी न्यूज विल भी कंट्रोल बाय द ब्यूरोक्रेट्स तो क्या हुआ गवर्नमेंट की अच्छा ही बताई जाएगी उसके अंदर बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इंक्रीज पब्लिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गवर्मेंट्स रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर बट ये न्यूज को कंट्रोल करके अगर तुम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहे हो तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच दैट इज द वन ये फोर्स आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर है ये जो भी लोग हो के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन राइट देखिए क्लियरली जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रॉमिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमिसज ठीक हो जो भी जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो डेमोक्रेसी लेकर आ रहा है ठीक है वो जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी इज डिफरेंट और उसकी डेमोक्रेसी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि न्यूज़ को कंट्रोल करना यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि अपोजिशन लीडर को जेल में डाल देना ठीक है अपोजिशन लीडर को हाउस अरेस्ट कर देना ठीक है प्लस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर देना ठीक है ये सब क्या है ये यह सब यहाँ पर यहां पर इसकी डेमोक्रेसी जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है जबकि क्या है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेमोक्रेसी वो अलग चीज है ठीक है तो ये यही बोल रहा है सटायर कर रहा है क्लियरली द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमिसज ठीक है दो गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट ब्रिंगिंग इक्वलिटी टू द पीपल ऑफ़ द फॉर्मर स्टेट इट्स हैवी हैंडेड अप्रोच हैज़ एन्श्योर्ड दट दू पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैज नॉट बी गिविन एन अपॉर्चुनिटी अभी तक पीपल्स ऑफ जम्मू कश्मीर को ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली है कि वो ये कह सके कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी का एब्रोगेशन सही था कि गलत था ये इसके अंदर बताया गया तो एक एक अपन बोल सकते हैं एक पॉइंट्स हमको मिल जा रहे हैं कुछ पॉइंट जो कि हम ऐसे के अंदर लिख सकते हैं ठीक है थोड़ा सा स्लाइड क्रिटिसिजम करके न्यू मीडिया पॉलिसी ऑफ जम्मू कश्मीर इस तरह से नाम लिखकर अपन कर सकते हैं थोड़ा सा स्लाइट क्रिटिसम चाहिए होता है यहाँ पर कहां पर जम्मू एंड कश्मीर के इशू के अंदर बहुत ही कॉशियसली आपको आंसर लिखना है या तो मत ही लिखो क्रिटिसिज्म लिखो तो बहुत कॉशियसली लिखो दिस इज ऑल्सो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग राइट पॉलिटिकल लीडर्स वर जेल्ड एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इज स्टिल अंडर हाउस दिस इज द डेमोक्रेसी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द इंटरनेट हैज स्टिल नॉट बीन रिस्टोर्ड टू इट्स फुल स्ट्रेंथ राइट रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया इन्शोर दैट देयर वाज नो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द ग्राउंड एट द टाइम व्हेन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वॉइस रिमेन मिसिंग इन द जम्मू एंड कश्मीर जब जम्मू कश्मीर की लोकल वॉइस लोकल पॉलिटिकल वॉइस नहीं हैं तो ये न्यू मीडिया पॉलिसी है इसने और ज्यादा नरेटिव क्रिएट कर दिया है किसके अंदर नरेटिव क्रिएट कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे नरेटिव क्रिएट किया जाता है कल के आर्टिकल में अपन ने पढ़ा था डेमोक्रेसी पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कल देखो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ठीक है और डेमोक्रेसी में आप उठाकर देख लीजिए ऐसे राइटिंग के अंदर आप देख लीजिए ऐसे इसके अंदर देख लीजिए लास्ट लास्ट प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेसी के ऊपर आते हैं राइट इज इज क्लियर टू एवरी सो एन इंडिकेशन ऑफ न्यू नॉर्मल फॉर जर्नलिज्म इन एंड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर अबाउट द गवर्नमेंट्स टू क्रिएट्स टू क्रिएट केम लास्ट मंथस वैन इट बुक फोटोग्राफर ठीक है फोटोग्राफर को उन्होंने बुक कर लिया था मसरात जेहरा एंड जर्नलिस्ट ऑथर गोवर गिलानी ठीक है अंडर द एंटी टेररिस्ट लॉ तो एंटी टेररिस्ट लॉ के अंदर फोटोग्राफर्स जर्नलिस्ट इनको क्या करा जा रहा है अरेस्ट करा जा रहा है ठीक है सोशल मीडिया पोस्ट को आ, को आ, आ, के, के अंदर लोगों को अरेस्ट करा जा रहा है ठीक है एंड रजिस्टर्ड इक्कीस ओवर है नेशनल न्यूज़पेपर समनिंग श्रीनगर कॉस्पॉन्डेंट फॉर क्वेश्चनिंग ठीक है तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीजें होने से क्या होगा कि एक तो जो इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन होगा वो फियर के अंदर आएगा ठीक है कोई भी न्यूज़पेपर होगा कोई भी न्यूज़पेपर न्यूज़ लिखने से पहले न्यूज छापने से पहले न्यूज़ दिखाने से पहले बहुत बार सोचेगा ठीक है दिस इज नॉट राइट अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को वहां पर क्या करना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने चाहिए ना कि इस तरह से फोर्सफुल गवर्नमेंट को नेगेटिव क्रिएट करने चाहिए बाय कंट्रोलिंग द मीडिया राइट अ फ्री मीडिया कैन हेल्प द गवर्नमेंट टेक द राइट एक्शन मोर इफेक्टिवली अगर देखो फ्री मीडिया होती है तो फ्री मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज आप लोग घर में बैठकर लॉकडाउन में उसका भी कहीं ना कहीं रीजन क्या है कि वहां पर चाइना में फ्री मीडिया नहीं थी तो यू कैन राइट इन दल्सो मैंने कई बार आपको बताया कि चाइना के अंदर मान लीजिए अगर फ्री मीडिया होती चाइना के अंदर अगर ओपन फेयर फ्री मीडिया होती तो हो सकता था कि कोविड नाइन्टीन इतना नहीं फैलता ठीक है नवंबर के अंदर ही सबको पता चल जाता कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है ठीक है ट्रांसमिशन हो रहा है बट चाइना ने क्या करा चाइना की मीडिया जो है चाइना ने मीडिया को कंट्रोल कर रखा है हाईली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और इसके कारण क्या है इतनी डेथ्स हो गई है ठीक है तो हमें डेमोक्रेसी के अंदर तो कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए इस आर्टिकल के अंदर ये लिख रखा है राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है द गवर्नमेंट शुड एनेबल एन एटमोसफियर फॉर फ्री एंड फीयरलेस जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिंग पॉलिसीज टू अब्स्ट्रैक्ट एंड प्रीवेंटेड ठीक है फ्री फेयर और फ्री फियरलेस जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट को भी आइडिया मिले कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है लोकल कंडीशन क्या है इसके ऊपर यह गवर्नमेंट को भी मिले सिर्फ गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करके अपना नरेटिव एस्टेब्लिश करें इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट को फ्री एंड फियरलेस जर्नलिज्म प्रमोट करनी चाहिए उधर राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज ड्राइंग द लाइन ठीक है दिस इज आर्टिकल अबाउट द नेपाल नेपाल के अंदर ने जो कालापानी डिस्प्यूट चल रहा है आज मैंने इलेवन एम पे एक वीडियो बनाया था आई होप आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा इलेवन ए एम पे जो वीडियो था वो नेपाल इश्यू के ऊपर ही था पूरा ठीक है तो उसके अंदर मैंने बेसिकली आपको कवर कराया था व्हाट इज is नेपाल इशू ऑल अबाउट नेपाल के बीच में नेपाल और इंडिया का डिस्प्यूट क्या चल रहा है आप लोगों ने ये देखा होगा इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइट तो देखो नेपाल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अनानोनिमसली पास कराया क्या कि एक मैप uh, पास कराया जिसके अंदर जो एरिया है जो कालापानी का एरिया है जो लिपू लेक है व, वो वाला एरिया है जो लिंपयार दुर्रा जो एरिया है वो सारा एरिया जो है नेपाल ने अपने मैप के अंदर बनाया है और इन्होंने क्या करा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्कुल ध्यान से सुनिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल पास करा दिया है ठीक है ये बिल पास करा दिया है कहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अब क्या है अब इनको कराना पड़ेगा अपर हाउस के अंदर पास एंड देन प्रेसिडेंट विल साइन एंड देन दैट बिल विल बिकम एन एक्ट और दैट इज वेरी वेरी नॉट गुड न्यूज फॉर द इंडिया अगर वो एक्ट बन जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए क्यों अच्छी बात नहीं है अगर ये एक्ट बन जाता है इसलिए नहीं है क्योंकि फिर आने वाली गवर्नमेंट अगर मान लो उस एरिया के ऊपर कुछ करना भी जाएगी या फिर उस एरिया के ऊपर कुछ कंसेंसेज क्रिएट करने चाहिए तो दिस एक्ट तो तो विल बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन इन दैट टाइम ठीक है अगर मान लीजिए आने वाली गवर्नमेंट या फिर यही गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहिए कोई बातचीत करना चाहिए तो दिस एक्ट विल बिकम वट एक्ट विल बिकम एक्ट विल बिकम अबाउन ऑफ कंटेंशन इन दैट टाइम ठीक है तो ये लिपू लेक पास और इधर का जो एरिया है फोर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी है इसके ऊपर उन्होंने अपने मैप के अंदर डाल दिया है और इसको उन्होंने अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर से पास करा लिया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सक्सेसफुली पास करा दिया गया है राइट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग दिस आर द न्यू मैप्स ऑफ द नेपाल ये मैंने आपको कल भी बताया था सॉरी आज भी बताया था इलेवन पी एम इलेवन एम की क्लास में और बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको हंड्रेड ऑफ टाइम्स मैंने आपको बता दिया है इसका क्या इशू है सुगाली ट्रीटी का क्या इशू है तो हम ये देख रहे हैं कि नया मैप के अंदर इंडिया का ये वाला जो एरिया है दिस एरिया ऑफ इंडिया इज टेकन बाय वाट इज टेकन बाय द किसने ले लिया है इन्होंने नेपाल ने ले लिया अपने मैप में अभी ये

तो वेल इट रिमेन्स टू बी पास ऑन द अपर हाउस अपर हाउस में से पास होना है और प्रेसिडेंट अभी साइन भी करेंगे द डाई हैज़ बीन कास्ट ठीक है नेपाल हैज़ ईस्ट टेरिटोरियल क्लेम इन द स्टोन विच वुड मेक एनी कंसेशन बाय दिस और एनी फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ नेपाल वर्चुअली अनथिंकेबल ठीक है एनी फ्यूचर गवर्नमेंट इफ दे वॉन्ट टू गिव दैट एरिया टू द इंडिया देन ऑल्सो ये बोन ऑफ कंटेंशन होगा ये एक्ट अगर ये पास हो जाता है कि भाई ये एक्ट हमारी पार्लियामेंट के अंदर पास कराए हाउ वी कैन गो अगेंस्ट दैट वन ठीक है चलिए आफ्टर द वोट वोट के बाद नेपाली फॉरन मिनिस्टर प्रदीप कुमार ठीक है डिक्लेयर दैट वी आर फॉर स्टार्टिंग वी आर फॉर स्टार्टिंग डायलॉग सून कि हमने देखो अभी ये हो सकता है प्रेशर टैक्टिक्स भी हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवस के अंदर से पास करा दिया अब इंडिया क्या होगा अब इंडिया के साथ ये प्रेशर टैक्टिक्स खेल सकते हैं कि अब ये बात करें कि देखो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से करा लिया उसके बाद आएगा हमारा और जो अपना अपर हाउस अपर हाउस के बाद हम प्रेसिडेंट से जैन करा लेंगे तो इससे पहले हम तुमसे बात करना चाहते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी वी कैन टॉक तो ये एक तरह से क्या है प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है इंडिया के अंदर कि एक हाउस में से पास करा लिया अब हम दूसरे हाउस में से पास करेंगे उससे पहले ये कह रहे हैं कि वी आर फॉर स्टार्टिंग डायलॉग सोन हम जल्दी से डायलॉग करें द प्रॉब्लम विल बी रिजोल्व थ्रो डिप्लोमेसी देखिए डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम को क्या करेंगे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये इस तरह से बोल रहे हैं बट नेपाल की ब्रिक की जो पॉलिसी है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैं कई बार आपको बता चुका हूं आज आर्टिकल में भी आ गया है तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नेपाल की ब्रिकमैनशिप की पॉलिसी है ब्रिकमैनशिप का पॉलिसी का मतलब क्या होता है अननेसेसरी आप क्या करो नजिंग करो इतना नजिंग करो कि कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में आ जाओ ठीक है कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाओ अपने बात को मनवाने के लिए इतने ज्यादा अड़ जाओ कि आप एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर आ गए तो नेपाल बार बार टाइम टू टाइम ऐसा करता रहता है ठीक है एक ऐसे ऐसा अपना रिलेशनशिप को खराब करता रहता है कि हर हर वक्त एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है कि रिलेशनशिप एंड होने वाली है ठीक है तो उस पॉइंट को उस चीज को बोलते हैं ब्रिंक मैनशिप की पॉलिसी तो नेपाल ब्रिंक बैनशिप की पॉलिसी करता है तो इस इस कंडीशन के अंदर इस एन्वायरमेंट के अंदर नेपाल से डायलॉग करने का इंडिया नेपाल से डायलॉग करेगा यह उस, उसके पास चांस ही नहीं छोड़ता देखिए जैसे इसका मतलब क्या है ब्रिंक मैनशिप पॉलिसी को समझने के लिए मान लीजिए टू फ्रेंड्स आर देर ठीक है वो किसी इशू पर इतनी बुरी तरह से लड़ लिए किसी एक इशू पर कि वो आपस में बात करना भी छोड़ दिए हैं ठीक है तो यही कंडीशन नेपाल ने क्रिएट कर ली है कि नेपाल इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि नेपाल अपनी पार्लियामेंट में लेकर जा रहा है उसके अंदर पास करा रहा है ठीक है नेपाल बोल रहा है कि भाई इंडिया इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है हमारे आ, लीडर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है जैसे अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ किया ठीक है उससे पहले हमारे आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज करा उससे पहले और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि वोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और नेपाल के बीच में ठीक है

सुगाली ट्रीटी तो आपको पता ही है तो हिस्टोरिकल फैक्ट को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वाई देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल रिलेटेड टू तो दैट कालापानी एरिया ये हमको समझ में आना चाहिए ठीक है थेके? तो देखो नेपाल बेसिस इट्स क्लेम्स टू द एडिशनल टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन टू तो ऑफिशियल मैप ऑन द एंग्लो नेपाल ट्रीटी ऑफ सुगाली देखो एंग्लो नेपाल वार हुआ था ठीक है 1815 के अंदर उसके बाद 1816 के अंदर एंग्लो नेपाल ट्रीटी एक साइन हुई थी दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सुगाली जिसके अंदर बाउंड्री का डिमार्केशन हुआ था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री का डिमार्केशन हुआ था तो उस वक्त ये बोला गया था कि जो महाकाली रिवर है ठीक है महाकाली रिवर के वेस्ट साइड वाला जो एरिया है दैट विल बी ब्रिटिश इंडिया वो ब्रिटिश इंडिया होगा और ईस्ट साइड वाला जो एरिया है दैट विल बी द नेपाल ठीक है और महाकाली रिवर को ये वाली रिवर मानी गई थी महाकाली रिवर को ये वाली रिवर मानी गई थी ट्रीटी ऑफ सुगाली के अंदर ठीक है बट 1879 के अंदर न्यू मैप्स आए थे जिसके अंदर टिंकर पास जो है देखो ये वाला जो पास है टिंकर पास के वेस्ट साइड जो ये रिवर जा रही है ठीक है उसको माना गया था महाकाली रिवर तो इंडिया इस वाली रिवर को क्या करता है महाकाली रिवर मानता है और नेपाल इस वाली रिवर को महाकाली रिवर मानता है और उसके बेसिस पे इंडिया जब इस वाली रिवर को महाकाली रिवर मानेगा तो क्या होगा क्या होगा, क्या होगा कि नेपाल ये जो एरिया होगा लिंपिया दुर्रा लिपू और ये वाला जो एरिया है कालापानी वाला एरिया है ये एरिया विल गो इन द इंडिया ठीक है अगर इसको माना जाएगा नेपाल का क्लेम ये वाली है ये वाली जो रिवर है दैट इज वॉट महाकाली रिवर तो इसको माना जाएगा तो ये लिंपियर दर्रा और लिपुलेक पास ये सब चीजें क्या है ये सब चीजें किसके अंदर चली जाएगी नेपाल के पास चली जाएगी आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी राइट चलिए बट अ मैप ड्रॉन इन 1879 1879 के अंदर ये बताया गया कि टिंकर पास के अंदर ये है तो इंडिया ने इसको इसको मान लिया इस वाले मैप को मान लिया और इंडिया ने ऑफिशियल कर दिया कि दिस मैप इज द ऑफिशियल मैप राइट बट द थिंग इज दैट कि इंडिया ने कई बार बोला एज पर दिस एंड लेटर ब्रिटिश ऑफिशियल मैप द काली रिवर ऑरजिनेट फ्रॉम द नेचुरल स्प्रिंग ऑफ कालापानी ठीक है कालापानी एरिया के अंदर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इस वाले कालापानी एरिया के अंदर से नेचुरल स्प्रिंग से निकलती है कौन आ, रिवर आ, काली रिवर और जाकर कहां मिल जाती है या कि छोटी छोटी रेवल्यूट के अंदर मिलके और फिर ये रिवर बना लेती है ठीक है ये नहीं माना गया कि ये कालापानी ये क्या है महाकाली रिवर है ये माना गया कि ये वाली महाकाली रिवर है इन 1879 मैप और हमने इसको फॉलो करने लग गए तो उस वक्त नेपाल ने कुछ भी नहीं कहा नेपाल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अब नेपाल क्या कर रहा है अब नेपाल रिजेक्ट कर रहा है उस क्लेम को दैट इज द नॉट द राइट थिंग अगर हिस्ट्री में भी जाकर देखें तो नेपाल मान चुका था अब नेपाल क्या बोलता है देखो हम क्यों मान गए थे उस वक्त दिस वॉज नॉट चैलेंज दैन एंड नॉट एट द एट एनी टाइम सब्सिक्वेंटली एंटीन नाइनटीन नाइन्टी नाइनटीन नाइन्टी तक नेपाल यही मानता था कि वो लिं, लिंपिया दुर्रा और काला पानी वाला जो एरिया है दैट इज ऑफ इंडियाज एरिया वो इंडिया का एरिया है बट अब क्या हुआ नेपाल अपनी ही बात को के उल्टा जा रहा है ठीक है और नेपाल पहले बोलता है कि देखो उस टाइम क्या था हम बोल नहीं पाए थे क्योंकि हम कमजोर थे और हमारे किंग महेंद्र और किंग बीरेन्द्र उनको फियर था कि इंडिया रिएक्शन कर देगा ठीक है इंडिया विल टेक द रिएक्शन इफ यू टेक दिस इशू तो हमने उस वक्त नहीं बोला इसलिए हमने नहीं बोला है अब ये बहुत ही आ, हास्यपद बात है बहुत ही लफेबल टॉक से बिकॉज किंग महेंद्र और किंग बीरेन्द्र ने कोई भी लिमिट नहीं छोड़ी थी इंडिया के अगेंस्ट में जाने के लिए ठीक है उस टाइम पर भी किंग महेंद्र और किंग बीरेन्द्र जो थे किंग महेंद्र और किंग इंडिया के बहुत अगेंस्ट में थे और एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स राइज हो गए थे नेपाल के अंदर उस टाइम भी और Birend, और दे आर प्रो चाइना किंग किंग महेंद्र एंड इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी थी जो कि हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में थी तब इंडिया कुछ नहीं बोला तो अगर वो इसके ऊपर अपोज करते तो इंडिया क्यों बोलता राइट right है समझ में आ गया सबको दिस इज लाफेबल एज बोथ द मोनार्क थ्राइव ऑन ए डाइट ठीक है ऑन एंटी इंडियन नेशनलिज्म एंटी इंडियन नेशनलिज्म के अंदर उन्होंने क्या करा था उन्होंने बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करा था इंडिया इंडियन नेशनलिज्म तो ये मौका उन्होंने क्यों छोड़ दिया भाई ये मौका क्यों छोड़ दिया इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मान गए थे कि एटीन सेवेंटी के मैप्स ठीक हैं एंड दैट रिवर इज अ काली रिवर इसका मतलब यह होता है अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात कर रहे हो आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंदर जाकर देखेंगे तो दिस एरिया शुड बी क्लेम्ड बाय अस ओनली राइट यह क्लियर है सबको प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट सो दैट वी कैन वी कैन प्रोसीड फर्दर एक तो अपना ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट देखिए 1950 के अंदर इंडिया ने बहुत सारी मिलिट्री कम पुलिस पोस्ट बनाई थी नेपाल चाइना बॉर्डर के ऊपर ठीक है और उसके अंदर से 17 से 18 पोस्ट ऑल टुगेदर एंड दे रिमेन इन द प्लेस अंटिल द 1969 1969 तक तो वो रही थी वहां पर ठीक है इसके बाद क्या हुआ था कि नेपाली प्राइम मिनिस्टर जो की थी कीर्ति निधि बिष्ट ठीक है ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ किंग महेंद्र किंग महेंद्र देखो उस वक्त बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स थी उसकी इनके अंदर बहुत सारे राणा राणाज रूल करते थे फिर किंग रूल करते थे और फिर डेमोक्रेट्स भी थे तो बहुत सारी पॉलिटिक्स बहुत अलग पॉलिटिक्स थी ठीक है फिर राणाज को ऑटोक्रेसी एंड हुई फिर किंग रूल करने लग गए अंडर द प्राइम प्रा, मिनिस्टर विल बी द अंडर द किंग इस तरह की पॉलिटिक्स थी कभी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे नेपाल का तो आपको बता दिया जाएगा ठीक है अब यहाँ पर सुनिए कि उस टाइम पर जो सेवनटीन एटीन पोस्ट हमने बनाई थी उन पोस्ट के अगेंस्ट में बोलने लग गए कौन किंग uh, महद ने बोला आस्क इंदिरा गांधी टू विदड्रॉ ऑल दिस पोस्ट फ्रॉम द नेपाली टेरेटरीज़ और हमने उन पोस्ट को हटा भी लिया बट उस वक्त भी उन्होंने कालापानी वाली पोस्ट के लिए नहीं बोला था तो इसका मतलब उस वक्त भी जानते थे कि कालापानी एरिया जो है वो हमारा है तो अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करनी है तो उस वक्त तुम हिस्ट्री के अंदर तो कुछ बोले नहीं हो और नहीं बोले तो इससे ये ये लगता है ये पता चलता है कि आपने हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से आपने वो एरिया हमारा मान लिया था अभी आप क्या कर रहे हैं अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं एंड ब्रिकमैनशिप की पॉलिसी अपना रहे हैं राइट right? दिस was डन बर द इंडियन पोस्ट एट कालापानी was नॉट इन द नेपाल लिस्ट नेपाली लिस्ट के अंदर थी नहीं कालापानी की पोस्ट के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम था तो उस वक्त बोलते कालापानी की पोस्ट के लिए पर उन्होंने बोला ही नहीं ठीक है वैन दिस इज पॉइंटेड आउट तो फिर हमने पॉइंट करा कि भाई जब आपने सत्रह से अट्ठारह पोस्ट हमारी लिख कर दी कि ये हटा लो तो हमने हटा ली थी तो काला पानी वाली पोस्ट भी लिख देते पर तो मानते थे कि काला पानी हमारा एरिया है इसलिए आपने क्या करा उसको नहीं करा तो इसके ऊपर क्या रीजन देती है नेपाल की गवर्नमेंट नेपाल की गवर्नमेंट कहती है महेंद्र महेंद्र किंग महेंद्र जो थे वो बहुत ही सेंसिटिव थे इंडिया की सिक्योरिटी के लेके बहुत कंसर्न थे तो वो नहीं चाहते थे कि चाइना कोई फायदा उठा लिया इसलिए उस टाइम पर महेंद्र ने क्या करा उस वाली पोस्ट को वहां पर रहने दिया काला पानी वाली पोस्ट को वहां पर रहने दिया ये किंग महेंद्र का ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का क्या है ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का क्या है एक तरह से स्टैंड रहता है कि उस वक्त हमने इसलिए नहीं बोला अब ये बिल्कुल ध्यान रखो महेंद्र जो थे किंग महेंद्र वो तो प्रो चाइना थे फिर वो कैसे कर रहे हैं ठीक है फिर वो इंडिया के बारे में सोच रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में सोचकर ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है तो ये सारे जो भी हैं ये सारे जो आर्ग्यूमेंट है दैट आर फ्लॉड आर्ग्यूमेंट दैट आर नॉट बाएबल आर्ग्यूमेंट इनको बाय नहीं किया जा सकता ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह से बोलती है राइट right? तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडिया एंड चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन करा था 1954 के अंदर जिसमें कि ट्रांजिट रूट ट्रांजिट रूट जो था जिसके अंदर ट्रांजिट रूट जो था इंडिया और नेपाल चाइना ने जिसके अंदर एक ट्रेड रूट बनाया था जो कि लिपू पास से पास हो रहा था ठीक है लीपू पास से पास हो रहा था जो कि अब वो क्लेम कर रहा है अपना तो उस वक्त जब हमने ट्रांजिट अग्रीमेंट साइन करा था 1954 के अंदर तब नेपाल कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट को अगर देखें तो नेपाल उसको अपना एरिया मानता मानता था था इंडिया का एरिया ही था, अपना एरिया ही अपना नहीं मानता था इसलिए नेपाल नहीं बोला है राइट इज दिस क्लियर तो ये देखो दिस देर वॉज नो प्रोटेस्ट फ्रॉम द नेपाली साइड एट दैट टाइम ऑल्सो नाइनटीन के टाइम पर जब हमने एग्रीमेंट साइन करा था इंडिया एंड चाइना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट तभी भी नेपाल कुछ नहीं बोला था इट मीन्स वॉट इट मीन्स दैट नेपाल अब क्या कर रहा है अब सिर्फ बहाने मार रहा है ठीक है 1990 के बाद नेपाल प्रो चाइना हो गया मैंने आपको एक आर्टिकल में बताया भी था कैसे नेपाल वेसीट करता है ठीक है इधर उधर कूदता रहता है कभी इंडिया की तरफ आ जाता है कभी चाइना की तरफ आ जाता है राइट द फर्स्ट टाइम दैट नेपाल प्रोटेस्टिव फॉर्मली वॉज इन टू इंडिया एंड चाइना साइंड तो टू के अंदर उन्होंने वो जो था लिपू लेक वाला जो एरिया था ठीक है लिपू लेक जो ट्रेड रूट था उसके ऊपर अपोज करा 2015 के अंदर जबकि चल रहा था कब से 1954 से चल रहा है तब नहीं करा उन्होंने ठीक है तो अभी ये सिचुएशन चल रही है हमारी तो हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर देखेंगे तो नेपाल को क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट देखने चाहिए पर सेलेक्टिवली नहीं देखने चाहिए देखिए नॉट टू बी यूज सेलेक्टिवली ठीक है इट्स इफ फैक्ट्स आर टू बी बेसिस फॉर एन इवेंचुअल सोल्यूशन अगर फैक्ट्स अगर इवेंचुअल सोल्यूशन की बेसिस हो देंगे तो इसको अपन को क्या करना है उसको अपन को सेलेक्टिवली नहीं देखना है ठीक है इंडिया एंड नेपाल रिय रिलेशन आर फॉर टू इम्पॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सैनिकल सीनिकल ब्रिकमैनशिप की पॉलिसी अपना रहा है नेपाल ठीक है पागलों की तरह नेपाल पॉलिसी अपना रहा है ब्रिंक मैनशिप की तो ये हो सकता है कि आगे जाने वाले समय में बहुत ही नेपाल को इसका बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट उठाना पड़े राइट right? ये शॉर्ट साइटेड है लीडर की शॉर्ट साइटेडनेस है जो कि वो इंडिया से इतने ज़्यादा रिलेशनशिप खराब कर रहा है इंडिया विल नीड टू तो ट्रेड ट्रीड केयरफुली इंडिया को केयरफुली करना चाहिए कि जिससे कि नेपाल के अंदर नेपाल के लोगों के सेंटीमेंट्स वो खराब ना हो जाए कहीं एंटी इंडियन सेंटीमेंट डेवलप ना हो जाए तो इंडिया ने इंडिया को अपने पॉइंट्स रखने चाहिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बात होगी तो इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग ठीक है वन कुड कन्वे टू नेपाल दैट इट मे बी मे हैव प्रिविलेज एक्सेस टू द कालापानी एरिया फॉर द ट्रेड ऑफ द पिलग्रम्स हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ट्रेड कर लो पिलग्रिम कर लो इसके लिए तुम्हारे लिए प्रिविलेज एक्सेस दे देंगे दे। बट ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके लिए ये कर सकते हैं हमको ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही डोमिनेट हो जाए नेपाल के ऊपर बिकॉज नेपाल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ फॉरस्ट बिकॉज इट इज वॉट इट इज द बफर बिटवीन टू बिग कंट्रीज यॉज बिटवीन टू हार्ड रॉक्स ठीक है कौन कौन है रॉक कौन कौन है रॉक है ये इंडिया एंड चाइना इंडिया और चाइना के बीच में एक फंसा हुआ कंट्री है और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बफर कंट्री ठीक है अब देखो नेपाल को इसका बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है बिकॉज नेपाल इज द लैंडलॉक कंट्री ठीक है लैंडलॉक कंट्री है तो उसको अगर सी का एक्सेस चाहिए तो वो इंडिया से ही ले पाएगा सी का एक्सेस इंडियन ओशन का एक्सेस पर वो यहाँ से चाइना से नहीं ले पाएगा क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं हिमालयाज ठीक है और चाइना से ले भी लेता है तो चिंदयान पोर्ट है चाइना का वो बहुत दूर है उसको उल्टा पड़ जाएगा यहाँ से घूम कर जाएगा फिर वापस इंडियन ओशन में जाएगा इससे बढ़िया इंडिया से अच्छा रिलेशन रख और अपना क्या है अपना सी एक्सेस भी ले ले इंडियन ओशन का सी एक्सेस भी ले ले इस तरह से नेपाल को सोचना चाहिए नेपाल विदाउट इंडिया इज़ नथिंग ये बिल्कुल फैक्ट है बिकॉज यहाँ पर चाइना के साथ जाएगा तो चाइना के अंदर क्या है चाइना के अंदर अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट्स वाई नेपाल्स रिलेशन इज नोन एज लिप एंड टीथ रिलेशन ठीक है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ अगेन आई एम सेइंग लिप एंड टीथ रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे अपने लिप को टीथ से बहुत देर तक दूर नहीं रख सकते इसी तरह से नेपाल इंडिया से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकता उसको वापस लौट कर घर पर आना ही पड़ेगा अब बुद्धू बनकर आओ या समझदार बनकर आओ इट चॉइस इज योर्स ठीक है ये नेपाल के अंदर है राइट right? तो देखो नेपाल सिटीजन में भी परमिटेड टू यूज़ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड इन दिस वन कि इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर ले करने दे इस तरह से हम कर सकते हैं दूसरा हमने एक चीज़ ये भी पढ़ा था कि स्पेशल जो रिलेशन है हमको स्पेशल रिलेशन की तरह नहीं देखना चाहिए नेपाल को रोटी बेटी का संबंध प्लस हम ऐसा मानकर चलते हैं कि नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है ठीक है तो अब इसके अंदर ये दे रखा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है उनको ये ये हटाना चाहिए चीज़, ये चीज़ें हटानी चाहिए चीज़, कि भाई हिंदू राष्ट्र है तो उसके साथ एफिनिटी करें ठीक है इसको अपना एक तरह से रिलेशनशिप के अंदर रखें ठीक है या फिर इसके प्रति सेंटिमेंट हो या फिर इसके प्रति माइक्रो मैनेजिंग कर रहे हैं हम रिलेशनशिप को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए इंडिया को इंडिया शुड शेड इट्स अप्रोच कि भाई ये एक हिंदू राष्ट्र है कि कौन सा राष्ट्र है ये नहीं करना चाहिए इंडिया को ठीक है और इंडिया को एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इन द रेशनैलिटी प्रैक्टिकल ग्राउंड इन द व्यू ऑफ द रेशनैलिटी ठीक है रेशनैलिटी की बेसिस पे करना चाहिए अदरवाइज रिलेशन बहुत खराब हो सकते हैं नेपाल इज नॉट सो सेंसिबल लाइक चाइना ठीक है चाइना को पता है इंडिया के साथ नहीं कर सकते पर नेपाल क्या हो सकता है कोई ऐसा होता है ना देखिए मान लीजिए आपका ये, आप तीन लोग हैं ठीक है थीके? अब ये दोनों पावर इक्वल है ये ए और बी इक्वल पावर है ठीक है अब इनको पता है कि आपस में लड़ेंगे तो देर विल बी सम रिपोकेशन्स और हमको आपस में नहीं लड़ना चाहिए तो बी को फिर भी मज़ा आ रहा है कि इसको लड़ना है ठीक है तो ये क्या करेगा इस सी को थोड़ा चढ़ा देगा ठीक है सी को चढ़ा देगा कि यार तू जा इंडिया के साथ लड़ तू जा तू कर सकता है तू कर सकता है ऐसे करके चढ़ा देगा और फिर ए और सी के बीच में फाइट हो जाएगी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए ये अगर सिस्टम हो जाएगा तो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर बोथ द कंट्री है ना तो ये अब नेपाल के लिए डेंजरस हो जाएगा ये सब चीज़ें होगा ठीक है बिकॉज ये तो क्या होगा ये तो अपना गेम खेल गया इसको तो पता है इंडिया से डायरेक्ट नहीं कर सकते पर इनडायरेक्टली इसने इसके अंदर ग्रेड गेम्स खेल दिए मतलब इसकी सॉइल को यूज करके इंडिया के ऊपर क्या हो गया प्रॉब्लम हो गया राइट तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये तभी होता है जब हमारा रिलेशन जो होता है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे नहीं होता रिलेशन इमोशंस पे होता है फीलिंग पे होता है आप भी जानते हैं कोई भी रिलेशनशिप इमोशंस और फीलिंग्स पे नहीं टिक सकता उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड होना ही पड़ेगा ठीक है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आनी ही पड़ेगी चीज़ों को राइट तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें बार्गेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा झुक जाना चाहिए ठीक है हमको सारे एंड पुटिंग ऑल एग्स इन द ओलीज बास्केट ओलीज बास्केट कौन है के पी ओली के पी ओली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल तो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर जैसे बोल रहा है वैसे ही करते रहे ऐसा नहीं करना चाहिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर हमको इसको सोचना चाहिए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट नेक्स्ट आर्टिकल इज इन्फर्नो इन आसाम ठीक है ये एक न्यूज़ की तरह इस आर्टिकल को ले लेते हैं अपन ठीक है इन फरनोइन आसाम अब आपको पता है आसाम के अंदर आसाम के अंदर एक ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक ऑयल फील्ड के अंदर ठीक है बहुत बड़ी आग लग चुकी है ऑयल लीकेज हुआ था ऑयल लीकेज के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी आग लग चुकी है इसके अंदर ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर अपना एक दिब्रू शे, शेखोवा दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क है ठीक है डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क वो भी बहुत बुरी तरह से इस आग की लपटो के अंदर आ चुका है तो दैट्स व इट इज़ इन द न्यूज़ इन फर्नो इन आसाम तो इसके अंदर क्या है ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि एक पी एस यू है ऑयल इंडिया लिमिटेड एक पी एस यू है उसकी सेफ्टी के ऊपर कि वो ही इट इज़ नॉट सेफ़ ठीक है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर और इसकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के ऊपर सवालिया निशान उठ चुके हैं ठीक है ठीके? इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है ठीक है इज क्लियर टू रिजिसन चलिए तो देखो ब्लो आउट एंड द फायर एट बग्जान बगजान ऑयल फील्ड इन नेपाल इन आसाम्स तिन डिस्ट्रिक्ट अपीयर टू हैव कॉट ऑयल इंडिया लिमिटेड ठीक है ओ आई एल विच ऑपरेट दैसिलिटी ऑफ गॉड ठीक है उसके ऊपर क्या है उसके ऊपर सवाल निशान उठ गए हैं कि भाई तुम्हारी किस तरह से सेफ्टी से स्टैंडर्ड है क्यों उठे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा बट इसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा एनवायरमेंट खराब हो गया है ठीक है एनवायरमेंट क्यों खराब हो गया है बिकॉज नेशनल पार्क जो है ठीक है दिब्रू शिकुआवा नेशनल पार्क जो है और मगुरी मोटापंग वेटलैंड एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गया है बहुत ज़्यादा आग फैल चुकी है ठीक है एंड इट फोर्स द विलेजर्स इन द नेबरहुड टू फ्ली द एरिया सेवन थाउजेंड पर्सन आर नॉट आर नाउ लॉस्ड इन द रिलीफ कैंप ठीक है अब वो ये रिलीफ कैंप के अंदर है सेवन थाउजेंड लोग जो है अभी रिलीफ कैंप के अंदर है और ये संख्या बढ़ती जाएगी बिकॉज आग पे कंट्रोल करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट अभी भी हमको टू से थ्री वीक्स लगेंगे उस पर कंट्रोल करने के लिए ठीक है नॉर्मल सिचुएशन लाने के लिए राइट right? चलिए देखते हैं सीरीज ऑफ इवेंट कैसे चला मे ट्वेंटी सेवन के अंदर फर्स्ट रिपोर्ट हुआ कि भाई गैस लीक हो रही है अब गैस लीक हो रही है कब पता चल गया मे ट्वेंटी के अंदर बट फिर भी ऑयल इंडिया लिमिटेड ठीक है ओ के पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे कि इस गैस लीक को बंद कर सके पता चल गया था ट्वेंटी को ये नहीं था कि इसको बंद कर सके इतना इक्विपमेंट नहीं थे तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किससे कांटेक्ट करा सिंगापुर की कंपनी से कांटेक्ट करा जस्ट इमेजिन सिंगापुर की कंट्री से इमेजिन करा वो सॉरी सिंगापुर की कंपनी कं, से एक कांटेक्ट करा है और जून एट के अंदर वो लोग आए ठीक है जून एट के अंदर देखो ट्वेंटी सेवन में अगर मान लो इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो ऑयल ही कर देती है इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ही कर देती है कि इसको गैस लीक को खत्म बट इसके लिए इन्होंने क्या है जून एट तक वेट करा अब जून एट तक वेट करा तब तक लीकेज चल रहा है जस्ट इमेजिन लीकेज चले जा रहा है ठीक है हमको पता चल गया लीकेज है और हम क्या कर रहे हैं हम अपनी उंगलियां दबा कर बैठे हैं कि भाई कहीं आग नहीं लग जाए राइट ऑन ट्यूजडे फोर्टीन डेज आफ्टर द ब्लो आउट बगजान फाइव वेल कॉट फायर अब कितनी देर तक रुकेगा लीकेज एकदम पांच जो कुए थे ठीक है बगदान ऑयल फील्ड जो है किसके ऑयल इंडिया लिमिटेड के उन्होंने क्या करा उन्होंने आग पकड़ लिया ठीक है उनके ऊपर फायर लग गया ठीक है वो दे कॉट फायर ठीक है द ब्लेज हैड सिंस बीन कंटेंड अभी तक कंटेन हो गया है पर फोर वीक्स तो लगेंगे नॉर्मल सिचुएशन आने में अब देखो ये देखो ये वाली जो पॉइंट है ट्वेंटी सेवन मे को पता चल गया था जून एट तक हम वेट कर रहे थे कि सिंगापुर से कोई टीम आएगी और वो करेगी ठीक है तो एक बहुत बड़ा ये मिसमैनेजमेंट हुआ है ऐसी चीजों के लिए पहले से कंट्रोल होना चाहिए ठीक है ऑयल इंडिया लिमिटेड को पहले से कुछ इस तरह से करना चाहिए और अगर सिंगापुर से भी बना, मंगा रहे हैं तो जल्दी से डिसीजन होना चाहिए और विद इन डेज आना चाहिए नॉट विद इन वीक्स ठीक है द कॉज कॉज ऑफ ब्लो आउट एट तीन सुखिया विल बी नोन ऑफ ओनली आफ्टर प्रॉब कि प्रॉब होगी उसके बाद ही पता चलेगा बट ये तो हमको पता चल गया है कि ये पी एस यू है इसके पास डिड नॉट हैव द एडुकेट सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन द प्लेस तो ऐसी जगह पर ऑयल इंडिया लिमिटेड खुली हुई है जहाँ पर बगल में आपके नेशनल पार्क है ठीक है तो आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होने चाहिए ठीक है ए बायोस्फियर रिजर्व फेसिस प्रॉस्पेक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट ठीक है तो लोकल रेजिडेंट्स ने प्रो, प्रोटेस्ट भी कराया कि भाई इतना डिले और टार्ड इवेक्एशन प्रोसेस क्यों है जब तुमको पता चल गया था ट्वेंटी सेवन मे को हो रहा है तो तभी हटा देते क्यों वेट कर रहे थे आग लगने का इस तरह का प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है किसके अंदर आसाम के अंदर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन इज दिस क्लियर टू एवरी वन प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट सो दैट वी कैन प्रोसीड अब देखो अगर हम इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी देखें अपर आसाम की तो ये कैश रिच कंपनीज जैसे ऑयल कंपनी है ठीक है ऑयल कंपनी क्या है ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है इसके ऊपर इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स चलती है ठीक है तो इसके कारण क्या है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलैक्स भी कर देते हैं लोग. So right. ये लोग तो दैट इज़ नॉट राइट पब्लिक सेफ्टी एंड सेंसिटिविटी टू द लोकल एन्वायरमेंट हैव टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजरल विजन ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए सुखिया इंसिडेंट जो है अथॉरिटी नीड टू रिव्यू इट और आगे से ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए यही एंडिंग कर सकते हैं हम और कुछ कहते भी नहीं है ठीक है इज दस क्लियर सो दो स्टूडेंट हु हुट टू नो दैट वाई एम नॉट टेकिंग द दथिक्स क्लासेज इथिक्स क्लासेज इज ऑन अल्टरनेट डेज अल्टरनेट डेज के अंदर इथिक्स क्लासेस होंगी मिस रेखा शर्मा ठीक है तो अल्टरनेट डेज के अंदर हो गया बिकॉज बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ रही हैं अभी तो वो अल्टरनेट डेज के अंदर हम ले लेंगे इथिक्स के क्लासेज डोंट वरी अबाउट दैट वन ठीक है चलिए नेक्स्ट इज जीएम सीड द डिबेट एंड सोइंग एजिटेशन ठीक है ये कल का आर्टिकल है मैं आपको बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है देखो शेट संगठन है एक शेटकी संगठन ठीक है आपने सुना भी होगा इसका नाम ठीक है इसने अभी ऐसे बोला है कि हम जो भी फार्मर्स हैं फार्मर्स को इन्होंने बोला है कि आप लोग क्या है जीएम क्रॉप उगाए ठीक है इससे क्या होगा जीएम क्रॉप से आपको फायदा होगा ठीक है और वो जीएम क्रॉप भी उगाइए जिनको जी ए ने क्या करा है जी ने अप्रूव नहीं करा है मतलब नॉन अप्रूव्ड जीएम एम क्रॉप भी आप उगाइए कोई दिक्कत नहीं है हम गवर्नमेंट को देख लेंगे वी आर ए बिग ऑर्गेनाइजेशन सो ये प्रमोट कर रही है व्हाट नॉन अप्रूव्ड जीएम क्रॉप्स को उगाने के लिए भी ये बोल रही है कि नॉन अप्रूवड जीएम क्रॉप्स उगाइए ठीक है थीके? अभी तक हमारे पास एक ही जीएम क्रॉप है जो कि अप्रूवड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज बी कॉटन दैट इज अप्रूव्ड बाय द जी ठीक है जी से अप्रूव्ड है ये एक ही ऐसी जो है आ, अपनी आ, क्रॉप है जीएसी क्या है कमेटी को अप्रूव करते हैं वो ये है राइट इज दिस क्लियर चलो फार्मर यूनियन फाउंडेड बाय द लेट लीडर शरद जोशी अनाउंस फ्रेश प्लांस इन दुटेशन फॉर यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज करेंगे करंट खरीफ सीजन के अंदर ही अब देखो दिस विल बी द अगेंस्ट लॉ ये अगेंस्ट लॉ होगा क्योंकि सिर्फ उसी क्रॉप का आप उगा सकते हैं जो कि अप्रूव्ड हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्योंकि आप उसके जेनेटिक्स जीन्स को चेंज कर रहे हैं ठीक है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जीन डाल रहे हैं सीड के अंदर अब वो एक्स्ट्रा जीन कुछ भी हो सकता है हमको नहीं पता कि रिसर्च के बिना हमको ये नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा जीन्स क्या कर सकते हैं हो सकता है कि ह्यूमन हेल्थ को बहुत खराब कर दे हो सकता है कि जहाँ पर उगाएंगे वहाँ पर कोई और क्रॉप नहीं उग पाए हो सकता है कि उसके कारण पूरा लैंड बैरन हो जाए ठीक है तो ये अभी राइट right अप्रोच ही नहीं है बट एक फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन है शेटकर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वो क्या कह रही है वो कह रही है कि हम क्या करेंगे हम फार्मर्स से बोल रही हैं कि आप लोग जीएम क्रॉप्स उगाए हैं ठीक है और फार्मर्स भी रेडी हैं अब देखते हैं आगे क्या होगा लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है कि क्या होता है ये हम आगे देखेंगे ठीक है मास सोइंग ऑफ जीएम सीड्स फॉर मेज सोयाबीन मस्टर्ड ब्रिंजल एंड हर्बिसाइड टोलरेंट कॉटन जो कि ये कोई भी ये सारी क्रॉप्स जो हैं दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय जीएसी जीएसी ने इनको अप्रूव नहीं किया है राइट इज दिस क्लियर फार्मर्स फार्मरिड आउट सिमिलर मूवमेंट लास्ट ईयर आल्सो लास्ट ईयर भी फार्मर ने इसी तरह का मूवमेंट स्टार्ट करा था जिसके अंदर ये जीएम क्रॉप उगाना चाहते हैं वॉट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग एम टू ट्रांसलेट जीनस बैरियर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन देखो कोई भी मान लो क्रॉप है ये क्रॉप है इस क्रॉप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे मान लीजिए क्रॉप्स के बहुत ज्यादा वीड्स आ जाते हैं इस क्रॉप के अंदर ठीक है ये क्रॉप उगाते हैं तो छोटे छोटे वीड्स भी उग जाते हैं ठीक है या फिर इसके ऊपर कोई पेस्ट बैठ जाता है तो इस क्रॉप के अंदर कहीं से हम ऐसा जीन डाल दें जिससे कि पेस्ट जैसे इसको खाने की कोशिश करें वो मर जाए ठीक है वीड्स डेवलप ही नहीं हो पाए वीडिसाइड की जरूरत ही नहीं है पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है बस इसके अंदर क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड इसको कर दें अपन तो काम बन जाएगा राइट इज दिस क्लियर तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग एम्स टू ट्रांसफेट द जीनस बैरियर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन इन द सीड्स टू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट एलियन जीन कुड भी फ्रॉम ए प्लांट अब ये जीन कहाँ से हो सकता है प्लांट से हो सकता है एनिमल से हो सकता है या फिर सॉयल के बैक्टीरिया से हो सकता है कहीं से भी लेकर आ सकते हैं हम इसको एलियन जीन को ठीक है और जाकर हम सीड के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और देन दिस सीड विल बिन बिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड ये जेनेटिकली मॉडिफाइड और जीएम सीड इसको बोला जाएगा और उसको जब हम उगाएंगे ठीक है इस जेनेटिक मॉडिफाइड सीड को जब हम आ, करेंगे शो करेंगे शोइंग करेंगे इसकी तब क्या होगा जो क्रॉप निकल के आएगी वो पेस्टिसाइड इसके अंदर पहले से पेस्टिसाइड होगा ठीक है मतलब पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होगी इसके अंदर पहले से ही पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म इसके अंदर है जेनेटिकली हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया है इसके यहाँ पर आसपास वीड भी नहीं होगी तो फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स खरीदना वीडीसाइड खरीदना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन बीटी कॉटन द ओनली जीएम क्रॉप बीटी कॉटन एकमात्र जीएम क्रॉप है दैट इज अलाउड इन द इंडिया हैज एलियन जीन्स ऑफ द सॉइल बैक्टीरियम ठीक है बैकिलस थ्रूनेजीनि है ना इसको देख लीजिएगा बैकिलस बैकिलस सूर्यजी सि जो है बीटी क्रॉप है इसको बीटी भी बोलते हैं दैट अलाउ द क्रॉप टू डेवलप ए प्रोटीन टॉक्सिक ये प्रोटीन टॉक्सिक डेवलप करता है जो कि पिंक बुलवाम जो है पिंक बुलबाम जो है उसको किल कर देता है पिंक बुलवाम क्या है एक पेस्ट है तो इसको किल करने के लिए हमको पेस्टिसाइड चाहिए होता है बट इसको किल करने के लिए अब अगर आप बीटी कॉटन उगाएंगे ठीक है ये जो होगा ये एक प्रोटीन टॉक्सिक बनाएगा जो कि इसको पिंक बुलवाम को ये क्या करेगा पिंक बुलवाम को हटा देगा राइट एच टीबी ऑन अदर एंड एस टी बी टी जो कि अप्रूव्ड जीएम क्रॉप नहीं है दिस इज नॉट द अप्रूव जीएम क्रॉप कॉटन इज डायराइव फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ एन एडिशनल जीन फ्रॉम अनदर सॉयल बैक्टीरियम विच अलाउ द प्लांट टू रेजिस्ट द कॉमन हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट ठीक है ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट होता है उसको हटाने के लिए काम आएगा एस टी बी टी पर एस टी बी टी को क्या करा है अभी तक अप्रूव नहीं करा है सिर्फ बी टी कॉटन को अप्रूव किया गया है ये इंपॉर्टेंट चीज है राइट right? इसी तरह से जो होता है वो किस पेस्ट के अगेंस्ट में लड़ेगा लड़ेगा इसके अंदर ये फ्रूट एंड शूट बोरर बट दिस इज आल्सो नॉट अप्रूवर्ड अप्रूव्ड बाय जी ये भी अप्रूव नहीं है जी के अंदर राइट डी एम एच इलेवन मस्टर्ड ठीक है ये भी एक है एक जी क्रॉप है मस्टर्ड की जीएम क्रॉप है इसके अंदर भी क्या है क्रॉस पॉलीनेशन ये क्या है सेल्फ पॉलीनेट हो जाएगा अगर ये वाला मस्टर्ड होगा ये सेल्फ पॉलीनेट हो जाएगा पहले देखो नॉर्मल मस्टर्ड क्रॉस पॉलीनेट होता है ठीक है ये क्या होगा सेल्फ पॉलीनेट हो जाएगा तो डी एम एच इलेवन मस्टर्ड तो ये भी अभी उगाने की इजाज़त नहीं है ये भी इसका भी अप्रूवल नहीं मिला है तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से क्रॉप का फ़ायदा होता है क्यों फार्मर उगाना चाहता है इन क्रॉप्स को ठीक है बीटी टी ब्रिंजल से क्या होगा फ्रूट एंड शूट बोरर ये एक पेस्ट है ये पेस्ट यहाँ पर नहीं होगा हमको पेस्टिसाइड यूज नहीं करनी पड़ेगी सीधे बी टी से ये पेस्ट किल हो जाएगा ठीक है अक्रॉस द वर्ल्ड जी एम वेरियंट ऑफ मेज कनोला एंड सोयाबीन टू और अवेलेबल ये सब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सब चीज़ें हैं हमारे पास ठीक है व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ जीएम क्रॉप जीएम क्रॉप की लीगल पोजीशन क्या है एक एक कमेटी है जीईएसी ठीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये अप्रूव करती है 2002 के अंदर इसने बीटी कॉटन के लिए बोला था इसके बाद से और किसी भी क्रॉप के लिए उन्होंने नहीं बोला है अगर अनअप्रूव्ड क्रॉप्स को जीएम वेरिएंट क्रॉप्स को अगर आप उगा देते हैं ठीक है तो इट विल इट विल कंसिडर एज ए ऑफेंस ठीक है और फाइव ईयर का जेल हो सकता है और वन लाख रुपीज का आपको फाइन बढ़ना पड़ सकता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तो ये भी याद रखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस वाई आर द फार्मर रूटिंग जीएम क्रॉप मैंने आपको बता दिया क्यों रूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ रेडिंग हटाने के लिए ठीक है प्लस पेस्टिसाइड्स को हटाने के लिए ठीक है ये इनके लिए पेस्टिसाइड्स इनको यूज करने होते हैं वीडीसाइड इनको यूज करने पड़ेंगे अब इससे क्या होगा इससे बिना वीडीसाइड और पेस्टिसाइड के ये क्या कर सकते हैं क्रॉप को टॉप को पेस्ट पेस्ट से कंट्रोल सक, कर सकते हैं और वीड को कंट्रोल कर सकते हैं राइट अनऑथोराइज वाइडली यूज ऐसा नहीं कि अनऑथोराइज क्रॉप यूज नहीं हो रही बहुत वाइडली यूज हो रही है एक डेटा है एक इंडस्ट्री का एस्टिमेट है कि फोर से फोर ये देखिए फोर से फोर करोड़ पैकेट्स जो हैं ठीक है कॉटन के सोल्ड किए जाते हैं और उसके अंदर फिफ्टी लैक्स जो होते हैं वो अनअप्रूव्ड होते हैं तो मतलब फिफ्टी लैक्स अनअप्रूव्ड है अप्रोक्सीमेटली फोर से फोर पॉइंट फाइव लैक्स के अंदर फिफ्टी फोर से पॉइंट फोर पॉइंट फाइव करोड़ के अंदर फिफ्टी लैक्स जो हैं, वो है वो अनअप्रूव्ड है ठीक है तो अभी ऐसा होता रहता है बट दिस इज वॉट दिस इज पनिशेबल ऑफेंस अब भाई जब ये इतना ही अच्छा है जे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो इनको लगा क्यों नहीं देते हैं? हम इनके ऊपर क्यों रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं इसलिए रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर अभी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है कहीं ये हम लगा दें और पूरी लैंड बैरन हो जाए ऐसा भी हो सकता है कहीं ये लगा दें और पूरी क्रॉप्स जो है आसपास की वो खत्म हो जाए कहीं लगा दें वीड के साथ साथ सॉयल को भी खराब कर दें सॉयल को बैरन कर दें ये अभी सिचुएशन अभी हमको पता नहीं है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है दैट्स वाई जी ने अभी तक अप्रूव नहीं कराया सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हो सकता है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो सकता है कि ह्यूमन हेल्थ को भी ये खराब कर दे कि आप बेटी बिंजल खा रहे हो और आपको पता चले कि आपकी तबीयत खराब हो गई ठीक है तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर द फॉर दिस वन तो हेल्थ पर्पज के लिए प्लस एनवायरमेंट uh, के लिए प्लस सॉयल के लिए इन सब के लिए अभी अपन अप्रूव करना पड़ता है इसको राइट right? तो हरियाणा हैज रिपोर्टेड फार्मर ग्रोइंग बीटी टी ब्रिंजल इन द पॉकेट्स ठीक है इन जून लास्ट ईयर इन द मूवमेंट बाय द शेटकरी संगठन इन अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र मोर देन थाउजेंड फार्मर्स डिफाइड द गवर्नमेंट एंड सोड द एच टी बहुत सारे हजार फार्मर्स ने क्या करा है बोलकर गवर्नमेंट को बोलकर क्या कर दिया क्रॉप को उगा दिया और डिफाइड द रूल तो जो ऑर्गेनाइजर था उनके ऊपर उनको बुक करा गया था उसके अंदर तो ये है वाई आर फार्मर रूटिंग फॉर द जी क्रॉप्स ये आपको मैंने समझा दिया राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि भाई देखो जीएम क्रॉप एक बार आपने उगा दी उसको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकता है तो उसको जब भी, भी उगाओ तो अप्रूव करके उगाना पड़ेगा आपको ठीक है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ द जी एम क्रॉप इज येट टू बी स्टडी सो इट शुड नॉट बी रिलीज कमर्शियली कमर्शियली इसको रिलीज नहीं करना चाहिए जेनेटिकली मॉडिफिकेशन दे से ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस दैट कैन बी हार्मफुल टू द ह्यूमन्स इन द लॉन्ग लर्न लॉन्ग रन लॉन्ग लर्न रन के अंदर ये ह्यूमन्स को क्या कर सकता है इफेक्ट कर सकता है इसलिए इस तरह से नहीं उगाना चाहिए तो अब संगठन ने ये करा है ये जो संगठन है इसने शेटकारी संगठन है इन्होंने बोला कि हम यहाँ यहाँ पर ये क्रॉप्स उगाएंगे ठीक है फार्मर्स हु प्लांट सच वेरेंट विल पुट अब बोर्ड ऑन देयर फील्ड्स प्रो क्लेमिंग द जी एम नेचर ऑफ देयर क्रॉप उनके ऊपर फील्ड भी वो पोस्ट भी लगा देंगे हम कि हमने जी एम क्रॉप उगाई है कि अनिल घनवाट जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन है उन्होंने बोला है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर यूज़ कर पाएँ ठीक है और गवर्नमेंट को सेंसिटाइज़ करें कि देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको फील्ड के अंदर यूज़ करनी चाहिए जिससे कि फार्मर्स का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो ही हुई फार्मर विल नॉट बी डिटर्ड वेरियस संगठन और ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो जीएम क्रॉप का ये कहानी है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन है ना तो दैट्स ऑल फॉर टू क्लास सो इफ यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर इट विल कॉस्ट यू फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है देखिए अभी आपका बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है तो एक गाइडेड प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए तो आई आई सजेस्ट जो भी मुझे फोन कर रहे हैं अगर उनको थोड़ा भी डाउट लग रहा था तो मैं तो उनको यही सजेस्ट कर रहा हूँ अन अकेडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए ठीक है एक वेरी इनोवेटिव प्लेटफॉर्म इज देयर ठीक है वन ईयर का फोर्टी फोर थाउजेंड विल बी द कोस्ट ठीक है इफ़ यू टाइप द कोड ऑफिशियल कोड लाइव डी वी देन यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट और थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपको पे करना पड़ेगा और एक साल के अंदर आपको प्रेलम्स मीन्स आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग राइट ऑप्शनल ऑप्शन का टेस्ट सीरीज इन सब का टेस्ट सीरीज ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड तो आपको फिर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा किसी और गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी कंप्लीट गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द अकेडमी सो दिस इज ऑल अबाउट टू क्लास आई होप यू एंजॉय दिस क्लास इफ यू हैव वैंड डाउट्स रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एट सेवन डबल एट टू फोर एट सेवन थ्री फोर एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप इन विच आई विल अपलोड द पी डी एफ सारी पी डी एफ आज रात बारह बजे से पहले अपलोड कर दी जाएगी दैट्स ऑल फॉर टू क्लास थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे